भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म सरकार राज काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। वैसे फिल्म की शूटिंग इन दिनों काफी तेजी से चल रही है। फिल्म के सेट पर जब हमारी टीम पहुंची तो वहां पर एक्ट्रेस काजल राघवानी भी मिली, जो इस फिल्म में मेहमान की भूमिका में नजर आने वाली हैं। फिल्म के बारे में काजल ने बताया। काजल जी, बात करें आज आप किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आपका गेटअप भी चेंज है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज कुछ मैं थोड़ी अच्छी लग रही हूँ थोड़ी सी एंड मैं गेस्ट अपीयरेंस करने आई हूँ सरकार राज में। सो आप लोग के बीच बहुत जल्द ये फिल्म आएगी सरकार राज, तो इसमें स्टारिंग है पवन सिंह एंड मोनालिसा एंड काफ़ी एक्टर्स हैं इसमें जाने माने। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड प्रदीप जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी मूवी का हिस्सा बनाया एंड आपको बहुत जल्द आपको मेरा और पवन जी का गाना, जैसे छलकता हिट हुआ था वैसे ही और एक गाना हम आपके लिए ला रहे हैं। सो आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड गॉड ब्लेस मी। पवन जी के साथ बात करें, कैसे केमिस्ट्री, क्या कहना चाहेंगे उनके साथ? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उनके साथ और काफ़ी फिल्में आप लोग देख चुके हैं और बहुत हिट रही है हमारी पैर एंड आगे भी हम फिल्म्स कर रहे हैं। सो अच्छा लग रहा है और बहुत काफ़ी टाइम बाद हम साथ में कर रहे हैं। सो आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी? मेरी फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना एंड एक फिल्म जो अभी शूट करने में जा रही हूँ वो है दुल्हन चाही दुल्हन गंगा पार के। सो बहुत जल्द वो भी आपके बीच आएगी और मेरी फिल्म एक और है हीरोगिरी, बहुत जल्द आप लोग के बीच आएगी। दर्शकों से क्या कहेंगे अपनी फिल्मों को लेकर, फिल्म करियर को लेकर? कहना चाहूँगी बस यही और हमेशा कहती हूँ कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखिए और मैं सारी कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबको एंटरटेन करने की और मैं नहीं चाहूँगी कि कभी मैं आपको निराश करूँ एंड बस आप मुझे लाइक करते हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए एंड बस हमेशा इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। वैसे पवन सिंह और मोनालिसा स्टारर फिल्म सरकार राज में काजल की भूमिका क्या होगी, यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।